अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज हम आए हैं दणोद गांव में और दणोद गांव में हम आने पर मजबूर हो गए क्योंकि पिछले 3-4 रोज से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, काफ़ी चैनलों पे वो वीडियो देखी गई है। एक संदीप नाम का आदमी रोन लाग रहा है कि मेरा घर उजड़ गया, मेरी घराली मना छोड़ के चली गई, मेरी साड़ी मना छोड़ के चली गई, मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहूं हूं और वो मना छोड़ के चली गई, वो अमीर बनना चाहो है। और उसने काफ़ी सारे बयान दिए कि भाई मैं जो मेरी साड़ी के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहूं था वो मेरी घरवाली के मेरी वाइफ की मर्जी तरह था, तो अब मैं मरूंगा, ये कुछ बातें कही भाई, मैं फांसी खा कर मरूंगा, मेरा नाश हो गया, मेरा तो उजड़ गया, किसी और का ना उजड़ा है, घनी ये बात कही उसने। अब हम जो दणोद गांव में आए हैं, हम संदीप की जो वाइफ है, जो रियल वाइफ है, वहां आए हैं और सच्चाई क्या है वो आप लोगों को दिखाएंगे। एक्चुअल में किसने किसको छोड़ा, किसने किसको धोखा दिया और कौन किसका घर उजाड़ रहा है, आज वो साफ और स्पष्ट आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे साथ जो संदीप की वाइफ जुड़ी हैं, तो मैं सबसे पहले उनको उनसे आपकी बात कराता हूँ। राम राम जी। राम, आपका क्या नाम है? सुमन। सुमन, तो सुमन जी, जैसे आपने संदीप का बयान सुना, वह वीडियो आपने देखी है? देखी है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 25 साल। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए जी। कौन से गांव में शादी हुई थी आपकी? जीतपुरम। अजीतपुरा। हाँ। अजीतपुरा बिल्कुल भिवानी के टच में है भाई, वहाँ इनकी शादी हुई थी, दणोद गांव से हैं। तो जी बच्चे कितने हैं आपके? दो बच्चे हैं। तो ये जो मामला आपने कब बेरा पटाया भाई, आपका हस्बैंड किसी और औरत के साथ इस तरह से कुछ नाजायज संबंध रखता है, आपको कब पता लगा? जी मन तो यही बे पता लग गया है इसका, ये 3 बार बज लिया है ना, जित पता लग गया हमने इसका। पहली बार कब बजा था? पहली बार का तो क्या तारीख था भाई, मन तो तारीख तो याद। आइडिया क्या साल पहले? जी 14 साल हो गए। 14 साल तो ये खेल चालू हैं। तो जैसे आपने जब तो ये बालक बिल्कुल छोटे छोटे थे, जब से ही इसके ये काम चालू हैं, तो आपने मतलब ऐतराज नहीं जताया भाई यो क्यों करने लग रहा है इस तरह से घर में, आपने टोकया नहीं? जी खूब ऐतराज, क्यों कौन ऐतराज, इसी कौन हो सका है, आपका धनी ने दूसरा सौंप दे है, आपका घर कौन खो सका के राजी है। क्या नौकरी कर रहा है वो? जी बैंक में। बैंक में। तो जी जैसे आपने खूब रोले करे है मतलब आप? हाँ जी मन खूब, मेरी चालती मन खूब रोड़े करे हैं, खूब करे है, मेरे किसी ने कोई सुनाई कौन करी। उसका परिवार? हाँ। जो आपके जो जो सासरे वाले हैं? हाँ। जो मायके वाले हैं? हाँ। तो वह भी उसका साथ थे या वो आपका साथ थे? जी वो तो उससे का साथ थे, उससे का पक्ष दिया जी उनने, तो मेरा कोई साथ कौन दिया उनने। तो आपने ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये कैसे पाले? जी मैंने अपना दिहाड़ी मजदूरी करी है जी, कोई छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी कर कर पाले, किसी का भारी काटी, किसी पोचा मारा, बर्तन मांजे हैं जी, तो ये अपने बालक पाले मैंने। अच्छा वो तो वीडियो में कति खुल के एक बात कहने लग रहा है कि जो मैं मेरी साड़ी का साथ रहूं था वो मैं मेरी घरवाली के मतलब आपकी मर्जी से रहो है, आपने नो कही है ठीक है आप इसके साथ रहो, आपका परिवार भी राज्य है, उनका परिवार भी राज्य है। जी वो सारी झूठ बोल रहा है, कोई परिवार राजी को नहीं और नहीं मैं राजी। अच्छा जब आपने नूकत बेरा पट्टा कि ये जो औरत है दूसरी वो आपकी खुद की बहन है, आपके मामा की लड़की है? जी ये मैंने बेरा पट्टा है, भी वो 3-3 लेके बाज रहा है ना, जिद बेरा पट्टा है मैंने इसको, मामा की छोरी ले ले बात। मामा की छोरी है। अच्छा उसकी पहले शादी हो रही थी या वो कवारी थी? ना शादी हो रही है जी, इसका लड़का रहा भैया 11 साल का है कि 12 साल का, इसका मेरा पता नहीं है। तो वो भी शादी शुदा है, अपने एक लड़के को छोड़ के भाग रही है? हाँ अजी तीसरी को रखा है इसने, 2 बार बाज लिया, 1 बार जी नु पंचायत भाई सुलझेड़ा करके, 1 बार फिर बढ़ गया, फिर जी फिर बाज गया, फिर भाई ने केस कराया, फिर मेरे जेठ ने वो केस ठुआ दिया, फिर जी फिर दोबारा फिर बाज गया, ये मैंने फिर आखिरी में हार के ना अपना भाई गरीब काम है, मैंने फिर आखिरी में अपना केस कराया फिर। अच्छा इतने साल जो ये काटे हैं ये 98 प्यार मरे के? हाँ जी मैंने ये काटे हैं, अपने पीर मरे ही सूँ, जो मैं खर्चा मांगती ना मेरे साथ लड़ता, मैंने को मारता पीटता, तेरे के साथ घर तक खर्चा लिया तेरे, मैंने मार का ताड़ दिन खर्चा खातर। अच्छा मतलब
देना तो दूर की बजाय ले और ता भाई ले के अपना करते हाँ मेरे पर लेन दा और अकमार फीट के तेरे भाई पर लिया खर्चा पानी और फिर मेरे मार पीट के मन घर तक काट दिया करता ही। अच्छा शराबी स्वरूप है? हाँ जी सही शराब स्वरूप तो ले इसका हुआ अब तो कौन नहीं समझ क्या है कि कल तो वीडियो में ऐसा लगा था उस वीडियो में जाने शराब पी रहा था वो। हाँ जिन्हों तो ले सा इसमें शराब पियो है यो शराब पियो है इसमें अब कई हैं जैसे एक आधा और बताओ गांव में भी मतलब नो करेक्टर लेस था यो इस तरह से शुरू में ही था। हाँ जी वो कई दिन तक था यो इसमें कई अब से। हाँ तो ये बिल्कुल कति जो रिश्तेदारी होगी तीन चार अपनी क्योंकि जो आपकी बहन है मामा की लड़की वो भी रिश्तेदारी में होगी। हाँ। तो इतनी वो नहीं समझाए तुमने भाई या स्टोरी ने समझाओ मेरा उजाड़न लाग रही है क्योंकि अपने बहन का ही घर उजाड़न लाग रही थी तो आपने वो रिश्तेदारी में गए नहीं जैसे भाई वो तो आपकी माँ के पीर आड़े हैं तो आप लोगों ने उनको कहा नहीं भाई ये गलत काम कर रही ना जी ये किसी ने नहीं समझाए को माँ पीर आड़े समझाए को मेरे को बंद समझाए ये किसी ने नहीं समझाई किसी ने कही ये गलत काम कर रहे इनका किसी ने पक्ष नहीं उठाया। मतलब वो मान लो अब ये बात करने लग रहा है कि भाई मैं फांसी खा जाऊंगा मैं मर जाऊंगा किसी और का घर ना उजड़ा इस तरह कोई बात करने लग रहा है। मैं बताऊंगा जी वो मार ली जब तो जब ये मर गया था जब वो हमें छोड़ के गया था हमें भूखे प्यासे जब कुकर हमें दिन काटे हो तो मन्नर मेरी माँ ने मारा भाइया ने बेरा है और बाकी जब ये मर गया था मार खातर तो जब हमें छोड़ के गया था। जब आप जाते हो ये आप उनके बेटे हो ना? हाँ। आपका क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र भाई जैसे आप जब जाते हो वहाँ पे आपके पापा के पास तो आपने टोकया नहीं पापा हम भी हैं हमने फीस दे दे हमने स्कूल भी जाना हम बीमार भी वहाँ कपड़े जूते सो खर्चे हैं हमें मारती तो जो मतलब हमारे स्कूल के आते थे ना पैसे वो भी नहीं देता था और हमें तो कभी नहीं दिया हमें दिहाड़ी मजदूरी करके हमने खाया स्कूल की फीस भरी है। कौन सी क्लास में पढ़ो आप? मैं अब 10th में। और आपका भाई? वो 9th। वो कितना है? वो गाँव में। वो किसके पास रहो है? वो मेरी एक मतलब मौसी है उड़े ब्याह रखी तो उसके पास रहो है। अच्छा वो आपसे बड़ा छोटा है? हाँ। तो जी ये तो मतलब फिर आपने साफ साफ एक बात लगी कि वो जो है सरासर ढोंग कर रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ। सरासर झूठ बोल रहा है। हाँ सरासर झूठ बोल रहा है सरासर ढोंग कर रहा हो एक नंबर का ढोंगी है। अच्छा ई आपकी सरकार से भाई उसके ऊपर कार्रवाई हो आपने केस कर रखा है मांग के है आपके चाहो हो आप उसके साथ दोबारा वापस जाना चाहो हो? हम कौन जाना चाहते हम तो अपना खर्चा ले आएंगे अपना खर्चा चाहवा हाँ और अपने बालका के सार में टाइम पास करनी है इनकी परवरिश करना चाहूँगा तो इनकी जो उसका घर है गांव में। हाँ। अजीतपुरा में जो उसका मकान है। हाँ। जो जिसका वो ओनर है तो उसकी उसके बच्चे हैं तो ये उनका भी उसके ऊपर हक पूरा बना है तो मतलब है भाई मान आप वहाँ रहना चाहो या यहाँ रह के खर्चा लेना चाहो? जी मैं उड़ा रहना चाहूँ सू उस तलग हो के और अपना उड़ा खर्चा लेंगी मैं तो। अच्छा इन भाई पीर मेरे कितने दिन पार पड़ेगी भाई का कितने दिन पार पड़ेगी? बिल्कुल बात जायज़ है क्योंकि जहाँ पीर में रहने की बात सही ना तो बेचारे ने इतने दिन खूब साथ दी है ये तो मैं मिला हूँ इस बहन का जो भाई है जो इनका मामा है मैं उनसे मिला हूँ उनके घर में बैठे हैं तो बहुत शरीफ और बिल्कुल उसके मुंह में जुबाना नहीं बेचारे गए और वो तो इतना शरीफ आदमी है वो तो इतना उसने साथ रहा है अपनी बहन का भी घर बसा रहा है बेचारा अपना भी कर लाग रहा है अब कितने दिन आड़े पार बसाओगी तो सोगा तोड़ तो यो है भाई संदीप मानस हो जा और चुपचाप इन बड़का खातर जो तरी खुद की औलाद है हम किसी और खातर ना मांगते कि भाई तू कि दान कर दे कुछ और कर दे तने जो करया वो तो करया है तने तो नाश जो करना था अपना भी घर उजाड़िया जिसने लेगा या उसका भी उजाड़िया इन बड़का की बिरे रे माटी कर रहा है मत न तो नौकरी मिल गई थी इन कौन नौकरी देगा भाई पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो अपने घर ने इब भी संभाल ले इन बच्चों को इनका पूरा खर्चा दे अच्छे स्कूल में इनका एडमिशन करा अपना घर अपने गाँव में लेकर जो इनका थरा घर है उसमें रहने का ये हक मांगा है सोगा तोड़ियो है और कानूनन तौर पर मांगे हैं अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो प्रॉपर कानूनन तौर पर ईब इसके साथ पूरा समाज है और ये वीडियो वायरल होगी लोगों ने बेरा पटेगा क्योंकि मैंने आपके वीडियो में कमेंट देखे हैं तो एक बार प्लीज़ आप भी पढ़ के देखना संदीप जी के लिए जो इस लड़के का पिता है इनका हस्बैंड है जो मरने की कह रहा था उसके लिए ये मैं पर्सनली कहूँ भाई तू एक बार अपने कॉमेंट पढ़ के देख नीचे है जे एक सिंगल आदमी भी तने नुकन तपा जा तू ठीक से
या जो तू जिसने तू ले आ रहा है वो सुनर कहता पा जा वाह ठीक है, तो भाई बात सोचिए कि मग गई टोटल गाल मिलती पाऊंगी इतने तो सोगा तोड़ी हो है भाई। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं, कानूनी तौर पर मांग रहे हैं। ऊ नहीं तो मतलब भाई जब भाईचारा में नहीं देगा तो कानूनी तौर पर देगा, देना पड़ेगा इस परिवार को। जो आपका अपना परिवार है इसको आपका जो कमाई का साधन है उसमें से आधा खर्चा कम से कम इनको मिलना चाहिए, रहन नहीं न जगह चाहिए। क्यों जी यही मांग है? हाँ जी यही मांग है हमारी। तो भाई क्या कहना चाहोगे अपने पिताजी को लास्ट में इस वीडियो को, जो आपके पापा हैं उनको डायरेक्ट क्या कहना चाहोगे? हमारी आधी तनख्वाह कर दे और उसको सजा मिलनी चाहिए इस कारण काम के लिए, और किसी और का वो घर ना उजाड़े। वो तो नू कब है वीडियो में बेटे, वो तो वीडियो में ये कह है कि मन देखो, मन देख के किसी का और का घर ना उजड़े, गरीब भी मैं तने उल्टी लेकर आऊँगा। मतलब वो जो आपकी मौसी है जो आपके पापा के साथ रहती है, वो तो अब भी उसी को उल्टा लेके आने की कह रहे हैं आपके अपने बच्चों को, आपको तो वो अब भी नहीं लेके जाने कह रहा, तो इसीलिए उसे सजा मिलनी हमें हक चाहिए, हमारा हक चाहिए। देखो आपकी खुद की अपनी औलाद आपके प्रति कैसी बातें करने लग रही है, ये कहने लग रही है कि मारे खातर था उससे दिन मर गया था, अरे वो किसी और का घर नहीं उजाड़ा उसको सजा मिलनी चाहिए, तो शर्म की बात है भाई। मेरी तो सरकार से और समाज से यही रिक्वेस्ट है कि भाई इकट्ठे होकर इस परिवार को, इस बहन को, इन बच्चों को न्याय दिलाया जाए। हम भी साथ रहोगे, आप भी साथ रहो। तो जी मुहिम है, पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं जी। हाँ भाई पीछे नहीं हटेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो भाई सारे भैया ने इस पूरे परिवार की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है, रिक्वेस्ट है इकट्ठे होकर, समाज इकट्ठे होकर, प्रशासन इकट्ठा होगा, इनको इनका हक दिलाया जाए। क्योंकि अगर ईब समाज की कमी की वजह से हम लोगों ने अगर इनका साथ नहीं दिया तो ये बालक अनपढ़ रह जाएंगे, क्योंकि इनकी तो ड्रेस तक बेच के खानी आदमी है, वो घर में जो राशन कार्ड का जो डिपो से राशन मिलता है उसको भी बेच के खा जाता है इनको। तो ये तो भाई इस बहन ने दिहाड़ी मजदूरी करी है, ये जो इसका भाई है इसने दिहाड़ी मजदूरी करके, क्योंकि आजकल एक परिवार पालना मुश्किल हो जाए, अपने खुद के बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, ये तो दो दो परिवार पाल रहा है। तो जी हम तो अब यही कह सके हैं कि जी वीडियो बनाओगे, इसको वायरल करेंगे, लोगों को ये बात बताएंगे कि भाई ये कितना गलत है, और ये जो रोन लग रहा है इसके आंसू झूठे हैं जी, ये झूठा है जी। तो भाई सारे भैया ने इस पूरे परिवार की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। इस न्यूज़ की अपडेट हम आपको बैक टू बैक देते रहेंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।